हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं रामदाना और राजगिरी के लड्डू। स्टार्ट करते हैं। एक 1.5 केजी रामदाना होगा दोस्तों, और ये एक मतलब आधा केजी गुड़ होगा, और ये घी भी है दोस्तों। तो इसको हम पहले सबसे पहले इसको हम भूनना शुरू कर। तो दोस्तों, कढ़ाई अच्छे से गर्म होनी चाहिए, फिर हम ज़्यादा ज़्यादा नहीं घी, बस थोड़ा थोड़ा ही राजमा अच्छे से डालेंगे। देखो दोस्तों, कढ़ाई अच्छे से गर्म है तो वो चिटकने लगता है, और इस पर हम कपड़ा एक थोड़े करके ऐसे इसके ऊपर ऐसे चिपकते रहेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए आप, इस टाइप का ये पक रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे पकाना है सारा ऐसे ही रामदाना। फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे, आप देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप का ही पक रहा है। ये देखिए, इस टाइप का सारा पका के बनाना है। बार बार हम ऐसे ही करते जाएँ, ऐसे ही भूनते जाएँ दोस्तों, आप देख सकते हो। अभी हम भून लेते हैं फिर। तो दोस्तों, देख सकते हो ये अच्छे से भून रहा है। इस टाइप का आप भी ऐसे ही करके आप ऐसे रामदाने को भून सकते हैं। देखो कितना अच्छे से बन रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसको चलाते रहो अच्छे से, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, पर बहुत अच्छी इसके लड्डू लगते हैं दोस्तों, तो आप जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों, देख सकते हो उतने से रामदाना से मैंने इतना रामदाना राजगिरी भूंज लिया है दोस्तों। अब हम इसके लिए हम बनाते हैं गुड़ का वो पैटर्न, जिसे हम ये कढ़ाई मैंने ऑन कर दिया है दोस्तों, और ये रहा इसमें पान। कढ़ाई ऑन कर दिया है और बहुत गर्म होगी कढ़ाई, और बहुत कम मात्रा में दोस्तों, देख सकते हो बहुत थोड़ा पानी, 1 चम्मच 2 चम्मच, बस इतना ही, 2-2.5 चम्मच ही पानी लिया है दोस्तों। आप देख सकते हो बहुत थोड़ा पानी, वो भी पानी इसलिए लिया जाता है जिससे ये गल जाए गुड़। हमने मैंने गुड़ डाल दिया है इसमें, आप देखिए, और अब इसको हम अच्छे से गलाते हैं, अच्छे से गल जाएगा दोस्तों गुड़ अपना, ये गल रहा है दोस्तों, देख सकते हो ये अच्छे से पक रहा है। और अच्छे से हम लोग इसको पकाते हैं, इसको बस फटाफट फटाफट चलाते जाओ तेज आंच में ही करके दोस्तों। अभी तो गल गया है, तो मैंने अभी तेज आंच किया है दोस्तों, आप देख सकते हो, और अच्छे से इसको पकाते हैं, फिर इसके बाद बनाते हैं लड्डू। तो दोस्तों, देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका गुड़ का, पकाते रहते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो फिर अभी हमारा ये लग रहा है मुझे अच्छे से पक गया है। तो दोस्तों, इस तरह आप पानी लेके एक कटोरी में एक बूंद इस तरह चुवाइए, और ये देखो दोस्तों इस टाइप का हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे एक जगह समेट के देखिए कि ये एक गोली टाइप की बन रही है कि नहीं, अभी हल्की सी ही बन रही है दोस्तों, ये देखो, ये देखो। इसलिए अभी ये थोड़ा और पकाने की ज़रूरत है, वरना ये देखो दोस्तों, अभी ये बन नहीं पा रहा है, इसलिए अभी इसको और थोड़ा पकाते हैं। दोस्तों, इस बार देखते हैं हम बना कि नहीं। देखो आपने, मैंने डाला है ये वाला है, और ये अच्छे से, ये देखो दोस्तों, ये गोली बन के रेडी हो गई। ये देखो, आप देख सकते हो बिल्कुल गोल गोल गोली बन के रेडी हो गई, इसका मतलब मेरा पार्ट हो गया है। अब हम इसको दोहरे आज इसको बंद कर देते हैं, आप देख सकते हो बंद कर दिया है। अब हम दोस्तों, हम इसमें गड्ढा करके अब इसमें डालना शुरू करते हैं, आप देख सकते हो गुड़ इसमें डाल रहा है, ये गुड़ पड़ रहा है। और हम इसको अभी ये देख सकते हो दोस्तों, ये अच्छे से इसको मिलाते हैं, इसको मिलाने में ही
फिर अभी हाथ से ही गरम गरम मिलाना पड़ेगा सेफ्टी के साथ, वरना फिर बनेगा नहीं। ये देख लेते हैं दोस्तों, ये इसको पहले छुटा लेते हैं। और जितना ये ऊपर का नीचे करके हम इसको इसी में ऐसे मिलाते हैं, गरम गरम में ही मिलाना होता है दोस्तों, देख सकते हो। और दोस्तों इसे पहले हाथ में ना थोड़ा सा घी लगा लेना, आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने घी लगाया, पानी लगाने से क्या है उसमें दोस्तों तुम्हारे लड्डू जो है ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए पानी नहीं लगाना, आप हो सके तो घी ही लगाना। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिला दिया है। कोई नहीं दोस्तों, ये नीचे गिर रहा है तो यहाँ बिल्कुल बाकायदा सब साफ है, तो हम इसका बाद में देखेंगे। ज़्यादा मैंने डाल लिया। और अब हमारे ये छोटे छोटे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये बन रहा है अच्छे से लड्डू। ये देखो गोल गोल अच्छे से ये टाइट टाइट लड्डू बन के रेडी हो रहा है। इसी साइज इसी बहुत जल्दी जल्दी दोस्तों इसमें बनाना पड़ता है, नहीं तो ये ठंडा हो गया तो ये बंधेगा भी नहीं। मेरे हाथ में बहुत चिपका हुआ है, इस वजह से दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। दोस्तों देख सकते हो मैं बड़े बड़े ही लड्डू बना रहे हूँ, क्योंकि छोटे छोटे ठंडा हो जाएगा फिर, तो इसलिए बड़े बड़े लड्डू खाने से मज़े ही और होते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं बड़े बड़े ही बना रही हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से लड्डू बन रहा है। ये इसको उठाते जाओ और ऐसे ऐसे बनाते जाओ। तो इसी तरह दोस्तों हम सारे लड्डू बना लेते हैं फिर। तो दोस्तों देख सकते हो बन के रेडी हैं हमारे लड्डू। देख सकते हो दोस्तों मैंने इस तरह के लड्डू, ये राजगिरी और इसके लड्डू बनाए हैं दोस्तों, कुछ छोटे कुछ बड़े हर साइज के बने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बने हैं, ना ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं दोस्तों, इसलिए आप अपने घर में बनाइए। और ये दोस्तों ऐसे लड्डू हैं, इनको आज आप अपने व्रत में भी आप खा सकते हो, या ऐसे भी नवरात्र में भी अगर आप इनको खाना चाहो तो खा सकते हो दोस्तों। और बहुत अच्छे से बने हुए और बिल्कुल टाइट है, ये नहीं कि मैं दबा रही हूँ तो दब नहीं रहे दोस्तों। तो आप इसको खाइए और अपने अनुभव जरूर कमेंट बॉक्स पर हमारे साथ शेयर करना, इतने से इतने हुए दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों हमारे चैनल को। बाय।